दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है कि इसका 100 आया, इसका 96 आया, तो किसका एरिया बड़ा है, इसका है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमें इसमें दिया गया है एक वर्ग है और एक इसमें सर्किल दिया गया है। हमें ओनली फोर फुट दिया गया है कि इसका आर त्रिज्या है वो 7 है, तो हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या होता है। अब हमें बताया गया है कि इनका परिमाप समान होता है, तो हम लिख लेते हैं परिमाप, परिमाप मतलब पैरामीटर इंग्लिश के अंदर। इसका वर्ग का क्या होता है, सूत्र लिखते हैं डायरेक्ट 4 इंटू ए, और इसका भी इक्वल है दोनों का। इसका पैरामीटर क्या होता है, 2 पाई आर। अब हम देख ले इसके अंदर पुट कर देते हैं वैल्यूज, तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए इक्वल है 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आर की वैल्यूज रख लेते हैं यहाँ पे 7, तो 7 से 7 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 2 44, ये हो जाएगा 4 इंटू ए। अब हमें ए की वैल्यूज ज्ञात करनी है, तो 44 अपॉन 4, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 11, ये हमारा 11 क्या आ गया, ए की वैल्यूज। अब हम इसको वर्ग के अंदर रख देंगे, ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11, और सर्किल है इसका ये 7 दिया गया। इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू लंबाई या भुजा इंटू भुजा होता है, ए इंटू ए, इसका होता है पाई आर स्क्वायर। तो इनकी दोनों को वैल्यू रख देंगे 11 इंटू 11, और इसका वैल्यू कितना होता है 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 154, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1 इंटू 1 121, ये वर्ग भी होता है 11 का वर्ग लिख लेंगे, तो इनमें से कौन सा एरिया बड़ा है, ये वाला। तो अब इसमें लिख देंगे कि ये सर्किल का एरिया बड़ा है, वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है। थैंक यू दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।